हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज पार्ट 36 में टॉप 12 क्वेश्चंस को मैं कवर कराने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और जो भी दोस्त प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग इन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिनिमम लेंथ ऑफ परमानेंट रेल क्लोजर ऑन द अप्रोच ऑफ ब्रिज। पुल के किनारे पर स्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितने मीटर की होती है? ऑप्शन नंबर ए 13 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 11 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 5.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 6.5 मीटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5 मीटर, अर्थात 5.5 मीटर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमम लेंथ ऑफ टेम्प्रोरी रेल क्लोजर ऑन LWR। LWR पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितने मीटर की होती है? दोस्तों, क्लोजर होता है रेल का टुकड़ा, जहां पर रेल अगर थोड़ा सा कम हो जाए या फिर घट जाए तो वहाँ पे इसको लगा करके टेम्प्रोरी रूप से ट्रेन को हम लोग चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर, अर्थात 4 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, द मिनिमम लेंथ ऑफ द रेल क्लोजर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी रिपेयर्स इफ़ द LWR इज बकल्स। मतलब LWR में बकलिंग होने पर आपात मरम्मत के समय रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 मीटर, 6.5 मीटर, 5.5 मीटर और 9 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.5 मीटर की क्लोजर हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ द होल सेक्शन बाय द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन के यात्री पुश ट्रॉली का निरीक्षण कितने महीने में की जाती है? 2 महीना, 1 महीना, 5 महीने या 6 महीना? 2, 1, 5, 6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मंथ, 2 महीने में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंस्पेक्शन ऑफ पैसेंजर टर्नआउट ऑफ द होल सेक्शन बाय द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। मतलब सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन में टर्नआउट का निरीक्षण कितने महीनों में की जाती है? ऑप्शन ए 12 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 मंथ, 12 महीने में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंस्पेक्शन ऑफ कर्व बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। मतलब सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा कर्व का निरीक्षण कितने माह में किया जाता है? तो इसका भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए कर्व ऑफ इच SSC PV इन 3 मंथ्स। 3 महीने में प्रत्येक SSC PV का एक कर्व का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इंस्पेक्शन ऑफ लेवल क्रॉसिंग बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, मतलब सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा संपार फाटक का निरीक्षण कितने माह में किया जाता है। ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 5 मंथ और ऑप्शन डी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 मंथ, 6 महीने में निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंस्पेक्शन ऑफ LWR बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर इन ए ईयर, मतलब सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा LWR का निरीक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन, ए 2 टाइम्स, बी 1 टाइम्स, सी 4 टाइम्स और डी 3 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 टाइम्स, 2 बार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंस्पेक्शन ऑफ 80 वेल्डिंग साइट बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ADN, मतलब सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा 80 वेल्डिंग साइट का निरीक्षण कितने माह में किया जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट लीस्ट 1 साइट इन द मंथ, महीने में कम से कम 1 साइट वेल्डिंग का साइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूनल बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा ट्यूनल का निरीक्षण कितने वर्षों में किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर मानसून इन 1 ईयर, 1 साल में मानसून के पहले। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हो जाएगा 11, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा ब्रिज का निरीक्षण कब किया जाता है। तो इसका भी 4 ऑप्शंस हैं और राइट आंसर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर मानसून इन 1 ईयर, 1 साल में मानसून के बाद। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंस्पेक्शन ऑफ स्टील चैनल स्लीपर बाय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, मतलब सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा स्टील चैनल स्लीपर का निरीक्षण कितने वर्षों में या कब किया जाता है। 4 ऑप्शंस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम रोटेशन वंस ए ईयर, मतलब प्रत्येक साल में रोटेशन रोटेट करके इसका निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्विज पार्ट 35 का, मैंने पूछा था हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बहुत सारे दोस्तों ने इसका राइट आंसर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है आपका हाजीपुर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन दोस्तों ने इसका राइट आंसर दिया। इसके बाद देखते हैं आज की वीडियो का क्विज, जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फुल डिटेल्स लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एक बार और, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमको आपके सुझाव का, आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। और
लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।